के मौके भरपूर हैं क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हो ही रहा है, और खास तौर से अगर हम मिड कैप की बात करें, अगर हम स्मॉल कैप की बात करें, तो वहां पर आज कम से कम थकावट के संकेत नहीं है, वो दोनों ही इंडेक्स ठीक ठाक। क्योंकि ऐसे माहौल में अगर फ्रंटलाइन इंडेक्स से अगर किसी दूसरे साइड की चाल दिखे तो उसको अच्छा ही कहना चाहिए, 0.5% ऊपर निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स है इस वक्त। लेकिन ट्रेड कहां पर करना है, वो कौन से शेयर हैं जो मौके दे रहे हैं, ये जानेंगे और लेकर आएंगे अब ट्रेड का चौका। कुणाल, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। देखिए थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा वोलेटाइल होता हुआ बाजार इस वक्त, और इस पॉइंट पर खास तौर से ट्रेड आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो जाता है, लेकिन आप ये काम थोड़ा आसान कर रही है दर्शकों के लिए। अपने दो शेयर बताइए जहां पर आपका कन्विक्शन हो और इस वक्त बिल्कुल आप उसको 100% कन्विक्शन के साथ उसको आप रेकमेंड कर रहे हो ट्रेड करने के लिए। गुड आफ्टरनून अभिषेक। सो अगर हम आज के सत्र की बात करें तो डेफिनेटली हमने सेलिंग प्रेशर देखा है, बट बहुत सारे अच्छे काउंटर्स भी हैं जिन्होंने नया ब्रेकआउट दिया है। सो उसमें से आज पहला जो काउंटर है वो है पेट्रोनेट एलएनजी। देखिए बड़े डाउन ट्रेंड कंसोलिडेशन के बाद इस काउंटर ने ब्रेकआउट दिया है, इनफैक्ट अभी भी ये दिन के हाई पे चल रहा है। ये एक काउंटर ऐसा है जो यहाँ से अगर मार्केट रिवर्सल में भी आती है तो ये आउट परफॉर्म कर सकता है। कीपिंग दैट इन माइंड हम इसमें बाइंग सजेस्ट कर सकते हैं, प्रेजेंट लेवल पे बाय ऑन डिप की भी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर सकते हैं। 230 लेवल्स का हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा और इस काउंटर में हम बाइंग कर सकते हैं। इसका पहला टारगेट बनेगा 245 का और उसके बाद हम इसे फिर से रिविजिट करेंगे। और जो दूसरा काउंटर है वो है एशियन पेंट्स। देखिए आज तो बहुत ही अच्छा चला है, ये काउंटर दिन में आई थिंक 3-3.5% तक ऊपर है। एज ऑफ नाउ थोड़ा सा नीचे आया है बट फिर से एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है। सो फ्यूचर्स लेवल में हम इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 2800, माफ करिएगा स्पॉट में भी रख सकते हैं, 2800 का स्टॉप लॉस रखेंगे, इसमें बाइंग कर सकते हैं। और इस काउंटर का पहला जो टारगेट बनेगा वो है 2870 का। दोनों काउंटर्स में शॉर्ट टर्म से मिड टर्म व्यू भी बुलिश रह सकता है। तो ट्रेडिंग के लिए और साथ ही छोटी से मध्यम अवधि के लिए ये दो काउंटर्स पेट्रोनेट एलएनजी और साथ ही एशियन पेंट्स, दोनों बाय रिकमेंडेशंस आती हुई कुणाल की तरफ से। और आज अगर हम एशियन पेंट्स को देखें तो जहां हम देख रहे हैं कि क्रूड के प्राइसेस में गिरावट देखने को मिल रही है, सुबह से ही ये काउंटर निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल था। सबसे पहले तो निफ्टी 50 को लीड कर रहा था, अभी तीसरे स्थान पर आता हुआ करीब 3.5% की मजबूती ये होल्ड कर रहा है। पर विनय, आपसे समझेंगे आपके पास कौन से हैं अगले दो घंटे के दमदार ट्रेड्स। जी, एक नया सेक्टर काफी लंबे अरसे के बाद मैं देख रहा हूँ कि आउट परफॉर्म कर रहा है, वो है फार्मा सेक्टर। और जिस तरह की अनसर्टेनिटीज अभी वर्ल्ड मार्केट्स में चल रही है और इंडियन मार्केट्स में चल रही है, उसको चलते लग रहा है कि ये फार्मा ऐसा एक लो बीटा सेक्टर है जिसको इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता डायरेक्टली। तो और कहीं ना कहीं पिछले 6 महीने से अच्छा खासा अंडर परफॉर्मेंस दिखाने के बाद ओवरसोल्ड हुआ और अब धीरे धीरे करके स्टॉक्स निकल के आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है फार्मा सेक्टर में अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, उसमें से मैं एक स्टॉक पसंद किया है ऑरबिंदो फार्मा। इसमें एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट आते हुए दिखा है और एक मूविंग एवरेजेस के लेवल्स सरपास हो रहे हैं, तो धीरे धीरे स्टॉक्स में स्ट्रेंथ आ रही है। एक रनिंग करेक्शन के बाद इसने अप ट्रेंड रिज्यूम किया है, तो ऑरबिंदो फार्मा में मैं लॉन्ग ट्रेड देना चाहूंगा। करीबन 466 के करीब आप लॉन्ग कर सकते हो। ट्रेडिंग के लिए स्टॉप लॉस आपका 458 का होना चाहिए और 482 का टारगेट मैं सजेस्ट करूंगा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। जो दूसरा स्टॉक मुझे पसंद है लॉन्ग साइड के लिए वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। जैसे आप बता रहे थे कि क्रूड ऑयल में रिसेंटली अच्छा खासा एक करेक्शन हमने देखा है, कहीं ना कहीं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए ये एक अच्छी खबर हो सकती है। बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टेक्निकल सेटअप भी काफी स्ट्रॉन्ग है, नॉट ओनली द वन और टू स्टॉक्स बट तीनों स्टॉक्स जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में है वो अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो उसमें से मैंने चुना है IOC। IOC का जो ओवरऑल टेक्निकल सेटअप है काफी स्ट्रॉन्ग था और पिछले दिनों जो भी करेक्शन हमने मार्केट में देखा इसकी मूव काफी रेजिलियंट रही थी। तो अभी मुझे लग रहा है कि IOC को लॉन्ग करेंगे 78.5 के करीबन, स्टॉप लॉस आपका 77 पे होना चाहिए और अपसाइड में आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 81.5 का। एक रिकमेंडेशन मैं शॉर्ट साइड भी देखना चाहूंगा क्योंकि बैंक निफ्टी का फाइनेंशियल्स का सेटअप वीक है, तो मैं एक शॉर्ट साइड पे भी एडवाइस देना चाहूंगा स्ट्रिक स्टॉप लॉस के साथ। तो बंधन बैंक जो काफी अंडर परफॉर्म कर रहा है और इसका टेक्निकल सेटअप काफी वीक है, तो उसको आप मार्च फ्यूचर शॉर्ट करके चल सकते हैं, स्ट्रिक स्टॉप लॉस में देना चाहूंगा। तो 208 के करीबन आप बंधन बैंक का मार्च फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं, 213 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और डाउनसाइड में यू कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 200 रुपीज। तो ये तीनों पिक का ट्रेडिंग का नजरिया है और 2-3 दिन का अवधि के हिसाब से आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल, और चारों के चारों में से अगर हम तीन देखें अभिषेक, तो क्रूड यानी कच्चे तेल की चाल से जो रिलेशन में स्टॉक्स आ रहे हैं, पेट्रोनेट एलएनजी, आईओसी और साथ ही एशियन पेंट्स से पता है आप एक इंटरेस्टिंग चीज, ये 60-65 देशों में अपने पेंट बेचती है कंपनी, ये शुरुआत कैसी हुई थी इसकी?
शुरुआत एक छोटे से गैराज में हुई थी, गिरगांव चौपाटी के पास। बिल्कुल, और शायद वो पहली कंपनी थी जिसने एडवांस्ड कंप्यूटर सिस्टम्स जो है एक्सपोर्ट मतलब इंपोर्ट हुआ किए कुछ थे। ये था शायद कि वर्ल्ड वॉर के चलते इंपोर्ट पे बैन लग गया था, और यहाँ शायद पेंट को लेकर डिमांड जो रही होगी जैसे भी। चार दोस्तों ने शुरू किया एक छोटे से गैराज में, और आज दुनिया भर में इतना बड़ा नाम कमा रही कंपनी है। नहीं बिल्कुल, और